नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। किसके साथ? दोस्तों के साथ या परिवार के साथ? परिवार के साथ, बहुत बढ़िया। तो आज हम एक कहानी सुनेंगे, परिवार की कहानी, मीना के परिवार की कहानी। और देखेंगे कि मीना और उसका परिवार साथ में क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1, 2, 3, 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमसे करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो दोस्तों, हमने देखा कि मीना और उसके परिवार के सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं, फल खाते हैं और गीत भी गाते हैं। तो चलिए अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इस कहानी में कौन कौन है, क्या आपको याद है? इस कहानी में 7 लोग हैं। मीना, उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा और उसका छोटा भाई। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ छिप सकते हो? बच्चों, कहानी में हमने देखा कि दिवाकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। आप कहाँ छिप सकते हैं, सोचिए। कुर्सी के नीचे, संदूक के पीछे या पर्दे के पीछे, या एक ऐसी खास जगह पर जो सिर्फ आप और आपके साथ खेलने वाला जानता हो। 1, 2, 3, 4, चाचा जी हमसे करते प्यार। अब चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो चलिए दादा के लिए गाते हैं। 1, 2, 3, 4, दादाजी हमसे करते प्यार। क्या नाना जी के लिए भी गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, नाना जी हमसे करते प्यार। अब बाकी लोगों के लिए आप इन पंक्तियों को गाएं और उन्हें जरूर सुनाएं। अब समय है शब्दों के खेल का। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो चलिए दोस्तों, आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं, दिवाकर, दादाजी, दादी जी। तो बताइए इनकी पहली ध्वनि कौन सी है? बिल्कुल सही, द। एक बार फिर से कहिए, द।
द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। सोचिए, द से और कौन से शब्द हो सकते हैं? कुछ शब्द हो सकते हैं दांत, दोस्त, दस, दो, दिवाली। कुछ और शब्द सोचिए और अपने माता पिता या भाई बहन के साथ बात करिए। आइए अब हम देखें कि दादा और दादी कैसे लिखते हैं। द, आ की मात्रा, द, फिर आ की मात्रा, बन गया दादा। अब लिखेंगे दादी। द, आ की मात्रा, द, बड़ी ई की मात्रा, बन गया दादी। दोस्तों, अभी हमने दादा और दादी लिखना सीखा। अब हम इन शब्दों को कहानी में ढूंढेंगे और उन पर घेरा लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमने दादा कहाँ पढ़ा था। यहाँ पर और यहाँ पर घेरा लगाते हैं। और दादी शब्द कहाँ पढ़ा था? यहाँ पर और यहाँ पर घेरा लगाते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, अभी हमने दादा और दादी लिखना सीखा। अब हम मीना लिखना सीखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। म, बड़ी ई की मात्रा, न, आ की मात्रा, मीना। दो बार और लिखिए और प्रयास कीजिए। आइए अब कुछ और शब्द पढ़ें और लिखें। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। आइए अब लिखने का प्रयास करें। न, आ की मात्रा, न, आ की मात्रा, बन गया नाना। दोस्तों, आइए अब कुछ चित्र देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि चित्र में क्या दिया गया है। सबसे पहले दी गई पत्तियों को पहचानिए। ये कौन से पेड़ की पत्तियां हैं? जी, यह है नीम के पेड़ की पत्तियां। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 1, 2, 3, 4 निम्बोली भी दिखाई देंगी। अगले चित्र में बनी है एक नदी और यहाँ आखिरी चित्र में बना है दाना। एक बार फिर से पढ़ते हैं। नीम, नदी, दाना। बहुत अच्छे। तो अभी तक हमने कहानी सुनी और कुछ शब्दों को लिखा और पढ़ा। उम्मीद है आप ये सब बातें अपने शिक्षक, दोस्त और परिवार के साथ भी करेंगे। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। शुक्रिया।